नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस एर एस आई टी के जमेरठ में मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं बीबीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट फोर्थ से टॉपिक हम लेकर आए हैं आज आपके लिए पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर कि इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है देख लेते हैं क्या कौन कौन से हैं वो आ, सबसे पहला है इसमें इनिशिएटर्स फिर है यूजर्स बायर्स इन्फ्लुएंसर्स डिसाइडर्स अप्रूवर्स और लास्ट में है आपका गेट कीपर्स ठीक है तो ये सात यहाँ पे क्या है पार्टिसिपेटर्स हैं इन सात को हम डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन सबसे पहले हमारा यहाँ पे है इनिशिएटर्स इनिशिएटर्स क्या हैं Usually, the need for a product, item, and internal supplier arises from the users. But there can be occasions when the top management, maintenance, or the engineering department or any such recognize or feel the need. These people who initiate or start the buying process are called initiators. हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक सिंगल कस्टमर की या कंज्यूमर की बात नहीं हो पा रही है यहाँ पर एक इंडस्ट्री की बात की जा रही है ठीक है तो उसमें जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग uh, डिपार्टमेंट है तो वो क्या करेगा जो उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जो भी एक नीड uh, उनको रिकग्नाइज़ हो रही है फील हो रही है तो वो उसको परचेज करने के लिए इनिशिएट करते हैं ठीक है तो इस तरीके से वहाँ पे वो इनिशिएटर्स का रोल प्ले करते हैं ठीक है स्टार्ट द बाइंग प्रोसेस और कॉल्ड इनिशिएटर्स इनको ही हम इनिशिएटर्स इसमें कहते हैं नेक्स्ट हमारा आपका यूजर्स यूजर्स कौन से हैं अंडर दिस कैटेगरी कम यूजर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इफ़ दे आर टेक्निकली साउंड लाइक आर एंड डी इंजीनियरिंग हु कैन ऑल्सो कम्युनिकेट वेल दे a vital role in the buying process. They also act as initiators. जो user हैं जो use यूज करेंगे users को हम users क्या हैं वो कभी कभी क्या है कि initiators की तरह भी role play करते हैं तो initiators ने तो अपना एक तरीके से उसको reveal कर दिया दिखा show किया जो need है और users उसको use करेंगे जब वो product वहाँ पर आ जाता है ठीक है अब next है buyers अब buyers क्या हैं दे आर पीपल हु हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सप्लायर एंड अरेंज द पर परचेज टर्म्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग वेंडर्स एंड नैगोशिएटिंग एंड समाइम्स हेल्प टू शेप द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बायर्स माने जो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे वही वेंडर्स को ढूंढेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि भाई हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स के अंदर फीचर्स चाहिए कौन सा प्रोडक्ट कब चाहिए ठीक है तो ये लोग कौन है ये हैं बायर और फॉर्मल अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सप्लायर एंड अरेंज द परचेज टर्म्स किसकी शर्त पर वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ठीक है ये होते हैं हमारे बायर्स बायर्स के बाद में हमारे इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स जो कि जो ये बाइंग प्रोसेस है इसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं टेक्निकल पर्सनल एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स प्ले द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर बाई ड्रॉइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर सिम्पली पुट पीपल इन दर्गनाइजेशन हु इंफ्लुएंस द बाइंग डिसीजनस डिसीजन इट कैन ऑल्सो भी द टॉप मैनेजमेंट वैन द कॉस्ट इन वॉल्व इज हाई एंड बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटिकली इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव तो टेक्निकल पर्सनल एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर वो एक इन्फ्लुएंसर्स की तरह रोल प्ले करते हैं ठीक है तो इन्फ्लुएंसर्स में यही हो जाते हैं नेक्स्ट हमारा है डिसाइडर्स डिसाइडर्स जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है जो कि निर्णय लेंगे डिसाइड करेंगे ठीक है वो देख लेते हैं कौन है इसमें अमंग द मेंबर्स द मार्केटिंग पर्सन मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिसाइडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई टू रीच दैम एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद दैम कि भाई ऐसे कौन लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसाइड करेंगे तो जो मार्केटिंग टीम है उनको इस तरीके का आइडिया होना चाहिए और सो so दैट कि वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सके ठीक है कॉन्टेक्ट कर सके द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर माइट बी डिसेप्टिव एंड द डिसीजन माइट नॉट इवन बी टेकन इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट जनरली फॉर रूटीन परचेज द परचेज एग्जीक्यूटिव मे बी द डिसाइडर कि जो परचेज एग्जीक्यूटिव हैं वो डिसाइडर हो सकते हैं बट फॉर हाई वैल्यू एंड टेक्निकली कॉम्पलेक्स प्रोडक्ट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव आर द डिसाइडर्स पीपल हु डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड द सप्लाइज आर डिस तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं चाहे वो लोअर एग्जीक्यूटिव हैं या सीनियर एग्जीक्यूटि वो इसमें डिसाइडर्स का रोल प्ले कर सकते हैं तो ये इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसाइडर्स का नेक्स्ट आपका हो जाता है अप्रूवर्स अप्रूवर्स जो कि स्वीकृति देंगे ओके okay, अप्रूवर्स में देख लेते हैं पीपल हु अथोराइज द प्रोपोज एक्शन ऑफ डिसाइर्ड डिसाइडर्स और बायर्स अप्रूवर्स अप्रूवर्स दे कुड ऑल्सो भी पर्सनल फ्राम टॉप मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट और द यूजर्स अब फाइनेंस डिपार्टमेंट्स आप देख लीजिए क्योंकि आप रोल आप ऑर्डर वगैरह सब कुछ दे देंगे बट जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं होगा फंड नहीं होगा तब तक आप परचेज नहीं कर सकते तो तो यहाँ से अप्रूवल मिलती है और बिना यहाँ से अप्रूवल मिले आप इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अप्रूवर्स के बाद हम देख लेते हैं लास्ट इसमें गेट कीपर्स गेट कीपर्स में देख लेते हैं क्या है गेट कीपर्स अ गेट कीपर्स इज़ लाइक अ फिल्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने का एक काम करते हैं ही इज द वन द मार्केटर हैज़ टू पास थ्रू बिफोर ही रीच द डिसीजन मेकर कि जो डिसीजन मेकर है उनके पास पहुंचने से पहले उन मार्केटर्स को इन गेट कीपर्स के थ्रू होकर जाना पड़ता है यही उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं ठीक है अब गेट कीपर्स ये सारे पार्टिसिपेंट्स थे हमने देखे ठीक है इनिशिएटर से लेके आपका गेट कीपर्स तक तो आज के लेक्चर में वीडियो में केवल इतने ही वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का तब तक के लिए धन्यवाद